जो शेख है वहाँ एक नहीं दो नहीं बहुत बड़ी तादाद में शेख उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किए, उधर पार्टिसिपेट किया और उनकी जो पूजा पाठ हुई उसके बीच भी उन्होंने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया। इस दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आते हुए आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। नहीं मानता। दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेंपल बनाया गया है जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं ये तो इस्लामी मुल्क में होना नहीं चाहिए। मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। चल निकल मादर चो। मजा आया। ये इंडिया हमारे से गद्दार है। मादर साले का खोपड़ी तोड़। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना नहीं चाहिए जाके। ये कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। चुप कर मादर चो। पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीजें होती है ना उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। काफर ठीक रहते हैं, अपनी पकात में रहते हैं। अब ये छोड़ो, शेरों को मत छेड़ो। मां बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गजब बेइज्जती। हमारा मजहब भी इस्लाम है। हमारे मजहब में भी ये कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। मगर क्यों? I don't know। इस्लामी मुल्क उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, मुस्लिम्स जो है सेलिब्रेशंस करने चाहिए। इस तरह इंडियंस को वो ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इकदाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा डालें। नहीं। दुबई के शेखों ने कर डाला भजन और पूजा। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि दुबई शेख जो है पूजा करके और भजन करके सबको चौंका दिए हैं। और पाकिस्तान इस वीडियो को देख के इतना बौखला गया है, आपको रिएक्शन देखनी चाहिए। पाकिस्तान इस मुद्दे पे क्या बोलता है और पाकिस्तानी एक काम जो है अच्छा करते हैं कि वहां की जनता से पूछते हैं कि ये वीडियो देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है। भाई पाकिस्तानी जनता क्या बोलते हैं इस मुद्दे पे, आइए वीडियो क्लिप देख लेते हैं। उसके बाद में आगे आपको चल के दिखाऊंगा और भी बहुत सारे वीडियो क्लिप। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर चलते हैं पाकिस्तान और वहाँ की रिएक्शन देख लेते हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। ये सारे शेख भी इसमें मौजूद हैं और सारे इंडियंस भी मौजूद हैं, हिंदू लोग भी मौजूद हैं। बेसिकली वहाँ पर दुबई में एक ओपनिंग की गई है, टेंपल बनाया गया है और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई और टेंपल बहुत खूबसूरत करके बनाया गया, ठीक है। उसके ओपनिंग में जो शेख थे वो खुद बकायदा मौजूद है और और जब उनके पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीजें होती है ना उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके टोटली अगेंस्ट। चल बाजड़ी के। आगे ये जो हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये टोटली गलत है सारा। एहतजाज करने से क्या होगा? UAE जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है, हमने आज तक क्या किया है? नहीं हमने देखे नहीं, आजकल आपको पता है सारा पैसे को इस्लाम है, ठीक है। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। हम अपने हुक्मरानों से ये कहेंगे कि आप उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं, ठीक है। हम आप खुद वहां पे इन्वेस्ट करें, खुद उनके साथ अच्छा कॉपरेट करें ताकि इंडिया को स्पेस कम मिले। सर एक अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जौन सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना नहीं चाहिए जाके। ये कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें साले को बम से उड़ा दूंगा। सलाम कहना चाहिए वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, जो है शेख साहब को ये गलत कहा उन्होंने, नहीं कहना चाहिए था जो है मुसलमानों का, ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को जो है। ये शेख किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम? ऐसे ही है क्या कहते हैं, जब शेखों का ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सोचिए कि जो शेख है वो माना जाता है, उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन, जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे? आपको दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू टेंपल है वो अबू धाबी UAE के अंदर बनने जा रहा है, और एज अ मुस्लिम अगर हम इस पर बात करें तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या इसको बनना चाहिए?
मेरे ख्याल से जो है कि एज ए मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इकदाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें। चुप कर माता चा। बजाय के वो हिंदुइज़्म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरकीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इकदाम पर, और हमें एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम इस इकदाम की शदीद मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन सर मज़हबी आज़ादी तो हर एक का हक है, आपको नहीं लगता कि हमें इससे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के या आवाज़ उठाने के इसको सपोर्ट करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी इस्लामिक कंट्री की गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये काम हो रहा था उसकी बिल्कुल मजम्मत हम करेंगे, लेकिन हाँ हिंदू भाई जो हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अपने पैसे पे बनाएं जितना मर्ज़ी आप पैसा लगाएं, तो इसमें लेकिन जो है कि एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम गवर्नमेंट अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो वो मेरे ख्याल से काबिले मजम्मत है। दोस्ती एक अलग बात है, ठीक है, जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं ये तो इस्लामी मुल्क में होना नहीं चाहिए। मरना है क्या भोसड़ी के? क्योंकि उनका मजहब और है, हमारा मजहब और है, तो सबसे पहली बात तो ये है। और बात रही के जो है ना हमारी दोस्ती की, वो अलग बात है। बात तो सही है, हम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये मंदिर बन रहा है पहले से ही है, ये दुबई में पहले से भी है, लेकिन ये जो अभी बन रहा है आज़ाद हो रहा है ये गलत है। सर मुझे ये बताएं, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अभी हमें ये सुनने में आ रहा है कि यूएई की अगर दुबई की बात की जाए, वहाँ पे पहला जो है स्टोन हिंदुओं का एक टेंपल तैयार किया जा रहा है, प्रॉपर तौर पे बड़ा मंदिर है जिसमें हिंदू जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, हिंदू कल्चर को। क्या समझते हैं हमेशा हम, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत से लोग गुस्से हैं कि इस्लामी मुल्क है, जैसे सऊदी अरब दुबई की बात की जाए वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए था, तो आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था एज़ आ पाकिस्तान? एज़ आ पाकिस्तानी सबसे पहले तो हमें जो इस्लाम में हमें इजाज़त देता है, हमारा मज़हब जो हमारा मज़हब इजाज़त देता है कि कोई भी मज़हब हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो अपनी आज़ादी के साथ अपने वो मंदिर भी बना सकता है, मस्जिद भी बना सकता है, ठीक है, मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं। इसी हवाले से एज ए पाकिस्तानी तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये एहतजाज करना चाहिए या किसी बात का इख्तलाफ करना चाहिए। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो इस्लामी मुल्क हैं तो वहाँ पे नहीं बनना चाहिए था। नहीं, इस्लामी मुल्क हैं, इसके साथ जो मिसाल के तौर पर अगर नॉन मुस्लिम है वहाँ पर मस्जिद फिर नहीं बननी चाहिए या वहाँ पर जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ये तो फिर नफ़रत फैलेगी, और इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल के वो ऐसे ऐसे मुसलमान। दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 13 देवती देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, और एक दिन पहले ही उसको ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू आकर अपने देवताओं की पूजा कर सके। क्या समझते हो आप कि जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? कितने दिन पहले की बात है ये खबर? सर ये महीना को हो गया इसको ओपन। अगर तो कन्फर्म है तो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी के जो अपनी ज़िंदगी है ना उसके रहन सहन को चेंज करता जाए, और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? लाइन है ये दीन इस्लाम है, इसकी एक मुकम्मल एक ज़िंदगी है, हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पर दीन पहुँचा था। अब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, एशिया के जितने मुसलमान मुल्क हैं और अदर कंट्री काफ़ी हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मामला नहीं है उनके पास। अगर दुबई है ना, पूरी वर्ल्ड आता है, आपको पता है वहाँ पे क्या टूरिस्ट भी आते हैं, टूरिस्ट को उन्होंने पता नहीं कितना कुछ उन्होंने आज़ादियाँ दी हुई हैं, क्योंकि हम तो कभी दुबई गए नहीं, वैसे हमने देखा है। इस्लामी मुल्क उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मुस्लिम्स जो है सेलिब्रेशन करने चाहिए, इस तरह इंडियंस को वो ज़्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हवाले से तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी बात है। जो बाकी इस्लामिक ममालिक हैं उनको भी ऐसा देखना चाहिए कि जो इस्लामिक जो है त्यौहार हैं उनको वो वहाँ पे अप्रिशिएट करें। सर इस्लामिक त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि दुबई में जो है वो इस्लामिक त्यौहार बंद कर दिए गए हैं, इस्लाम की वहाँ पर इज्जत बहुत है। अम्मा बहन पे आ जाऊँगा मैं इनकी। अच्छा
लेकिन वहाँ पर दशहरा मनाया गया है ताकि इंडिया से और ताल्लुकात जो है वो मजबूत हो। अब ट्रेड के हिसाब से देखें तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नहीं सही। वैसे तो जो है इस्लाम में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भी कोई भी अगर किसी दूसरे मज़हब का अगर लोग वगैरह रहते हैं यहाँ में तो उनको तो वैसे इजाज़त है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई लोग रहते हैं वहाँ पे तो उनको उसी हवाले से थोड़ी बहुत इजाज़त हो, लेकिन इस तरह ज़्यादा पब्लिक जो इंटरनेशनल लेवल पर उसको पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। तो आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी अपना बयान दिया है। भाई पाकिस्तानी हर मुद्दे पर बयान देना भूलते नहीं है, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे हिंदू काफिर हो, चाहे हिंदू के बारे में कुछ भी हो, पाकिस्तानी अपना रिएक्शन हमेशा देते रहते हैं। तो आप इस वीडियो में क्या कमेंट करना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।